आज की वीडियो में बताए जाने वाले अभ्यास उसी मुहावरे पर, उसी कहावत पर बिल्कुल फिट बैठते हैं कि एक पंत दो काज। लेकिन यहाँ पर दो काज नहीं, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर की समस्या, कंधों में बहुत अकड़न जकड़न, कंधों में दर्द होना, सर्वाइकल रीजन में पेन होना, चेस्ट की मसल्स का बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होना जिससे सांस लेने में परेशानी आए। इन अभ्यासों को जब आप करेंगे तो इससे हार्ट मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगी, लंग्स जो हैं वो वेंटिलेट होंगे और साथ ही पूरी की पूरी पीठ की मांसपेशियां जो है वो बहुत अच्छी तरीके से खुल जाएंगी। अगर आपको कंधों में दर्द है तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस एक्सरसाइज को करने से आपको परेशानी आए उस एक्सरसाइज को आप कम्प्लीटली अवॉइड करें और कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके कंधे का दर्द कैसे धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अगर आपको कंधे में दर्द नहीं है तो बेधड़क इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, क्योंकि इनसे आपका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, रेंज ऑफ मोशन मोबिलिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही खुदा नाखास्ता कभी कोई भी इंजरी हो तो उस इंजरी को बर्दाश्त करने के लिए आपके जो कंधे हैं और ये मसल्स हैं वो इतनी लचीली हों कि कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है ना बहुत मज़ेदार बात। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाना है और घंटी का निशान भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आज के सारे अभ्यास या तो आप आराम से कुर्सी में बैठकर या चटाई में बैठकर योगा मैट पर बैठ कर कर लें या कि खड़े खड़े अभ्यास कर लें, डजेंट मैटर। आज के अभ्यास के लिए आपको दुपट्टा या बेल्ट या टाई या कि फिर अगर आपके पास योगा स्ट्रैप है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की बेल्ट है, इस तरीके की जो कि अमूमन योग का अभ्यास करते वक्त इस्तेमाल की जाती है, अगर इस तरीके की बेल्ट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है और आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको इस तरीके की एक बेल्ट की आवश्यकता होगी तो आप इस तरीके की बेल्ट लगा लें, और अगर बेल्ट नहीं है आपके पास तो आप कोई भी दुपट्टा या स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़रा अपने जो कंधों की मसल्स हैं इनको वार्म करेंगे। सबसे पहले अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, ऐसे ऐसे बिल्कुल लूजन करें, ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें, ऐसे ढीला छोड़ें, लूजन करें पूरी छाती की मसल्स को, कंधे की मसल्स को। 5 4 3 2 1, ऐसा करने के बाद अब कंधों को कान की तरफ उठा के लेके जाएं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से। अब कंधों को ऊपर नीचे तो ऐसे उठा लिया, अब आगे पीछे ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे 5 4 3 2 1। इन सारी प्रैक्टिसेस को जब आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करें, योगा अभ्यास शुरू करें तो ये जरूर रिपीट कर लिया करें। आप कंधों को पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, घड़ी घूमने की दिशा में, कैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाएं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 10 से 15 बार हर एक अभ्यास को आप रिपीट करते जाएं विद नॉर्मल ब्रीदिंग। ये अभ्यास होने के बाद वापस से अपने उंगली हाथों को इस तरीके से लूजन करें, झटका दें, लूजन करें, झटका दें, उंगलियों को फंसाएं, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें ताकि जो भी अभ्यास किया है इसकी टेंशन को दूर भगाया जा सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस तरीके से दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाया और बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब इतना अभ्यास करने मात्र से बहुत अच्छा शोल्डर की मसल्स खींच गई, अब अपनी योगा स्ट्रैप ले लें। अब योगा स्ट्रैप जो है पहले ही मैंने हाफ फोल्ड कर ली है, ठीक है ना, ये पूरी लंबाई में थी, इसको आधा मोड़ लिया है, और आधा मोड़ने के बाद इसको इस तरीके से 1/4 ऐसे फोल्ड कर लिया है। और ऐसे फोल्ड करें कि जब आप अपने दोनों मुट्ठियों को कंधे के पास लाएं तो दोनों मुट्ठियां कंधे के साइड में आ रही हैं, इस तरीके से
ऐसे, ठीक है। आप दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और इस तरीके से हाथों को मूव करते जाएं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 10, 9, 8, 7, 6। आप चाहें तो डिस्टेंस घटा या बढ़ा सकते हैं, आपके रेंज ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अभ्यास करने के बाद अब वापस से दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और इस तरीके से अब मेरा लेफ्ट फिस्ट जो है, लेफ्ट मुट्ठी, राइट शोल्डर और राइट मुट्ठी और लेफ्ट शोल्डर, ऐसे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 होल्ड करेंगे एक साइड, 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 and 5। इतना करने मात्र से बहुत अच्छा शोल्डर के आसपास आप एक एक्टिवेशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं और इसी तरीके की और भी बेहतरीन प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ना कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे बिगनर हैं, या तो आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आती, पीसीओडी की समस्या है, अत्यधिक मानसिक तनाव है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कि फिर आपके ज्वाइंट्स में किसी भी तरीके का दर्द है, डेफिनेटली आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ना बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरे तो है ही हैं, साथ ही शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ गजब की पैदा हो गई है उनके। इन क्लासेस में क्या सिखाऊंगी मैं आपको, एक घंटे की क्लास होगी, हर दिन अलग अलग तरीके की क्लास होगी, घर पे ही रह के अपने कंफर्ट जोन में हर दिन आप आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे, रिलैक्सेशन करवाऊंगी, यौगिक क्रियाएं कराऊंगी, लाइफस्टाइल को बेहतर करने वाली जो टिप्स हैं वो आपको दूंगी, डाइट को किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे सो दैट आप इफेक्टिव अपना वेट मैनेजमेंट कर सकें। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिसमें कि एक घंटे की वीडियोस होंगी, उनमें आप आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे। इन वीडियोस को प्ले करके आप दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, किसी भी वक्त हो, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके घर पे रह के अपने अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ना, ये भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप जानना चाहते हैं और भी जानकारी इन कोर्सेज के बारे में और क्लास के बारे में, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास के बारे में और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। जाइए, चेकआउट कीजिए और शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से उठाया, अप 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 और पीछे की तरफ लेके जाते गए, जितना आपका रेंज ऑफ मोशन हो, जितनी आपकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे कंधे की, इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आएं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, या तो सांस लें सांस छोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 होल्ड करके रखें, जितना हो सके पीछे लेके जाएं, पूरा पीछे नहीं करना। अब इसे देखिए, चेस्ट मसल्स, ब्रेस्ट मसल्स, हार्ट और लंग कितनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं और पूरे शोल्डर, शोल्डर ब्लेड पर गजब का खिंचाव आ रहा है। अब रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएं और दोनों हाथों को छत की तरफ इस तरीके से खींचे, ताकि कंधों पर जो भी टेंशन हुई हो उसको रिलीज किया जा सके। और हाथों को बाहर की तरफ ऐसे 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 झटका दें। वापस से अपनी योगा स्ट्रैप को आपने इतना फोल्ड कर लिया, दोनों हाथों को कंधे के पास रखा, दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके गए इस तरीके से। अब दोनों हाथ की मुट्ठियों को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे पीछे से देखिए जरा, हाथ को उठाया और ऐसे, हाथ को उठाया और ऐसे, हाथ को उठाया और ऐसे, इस तरीके से ऐसे पीछे लेके जाएंगे, इस तरीके से ऐसे। और नीचे की तरफ जो नीचे हाथ है ना, उसको नीचे की तरफ पुल भी करेंगे ऐसे, ताकि ये देखिए जो आर्म पिट है, आपके राइट हाथ की आर्म पिट है वो खुली हुई है, बाइसेप कान के पास है, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे। इतने अभ्यास मात्र से ही आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा एक्टिवेशन अपने शोल्डर्स पर महसूस कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब क्या करेंगे, अब ये इस तरीके से योगा स्ट्रैप को पकड़ा हुआ था, अब हम इसको आधा आधा पकड़ लेंगे इस तरीके से ताकि डिस्टेंस पूरा हो और दोनों हाथ को आसानी से आप पीछे लेके जा सकें, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो हाथ को ऐसे लपेट लें और फिर हाथ को आगे लेके आएं इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। 10, 9 ऐसे, और पूरा हाथ को ढीला छोड़ के ऐसे। ऐसा ना हो कि आपको बहुत हाथ ऐसे ले जाने में पीछे दिक्कत आ रही हो, ताकि पूरा ढीला छोड़े ऐसे आगे पीछे आते जाए ऐसे। जब इतना अभ्यास हो जाए, अब वापस से अपनी योगा स्ट्रैप को आपने ऐसे पकड़ना है, और फिर क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को आपने ऊपर रखा इस तरीके से ऐसे, और बाएं हाथ को नीचे रखा इस तरीके से, और नीचे से आप ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ पुल करेंगे जितना हो सके, ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ ऐसे। ऊपर पुल करें, नीचे पुल करें, ऊपर पुल करें जितना हो सके ऊपर ऐसे, और फिर नीचे जाने दें। ऊपर पुल करें, नीचे पुल करें, 5, 4, 3, 2 and 1। अब ऊपर पुल करते रहें इस तरीके से, और हाथ को ऐसे वॉक करवाते रहें अपनी दुपट्टे पर या स्ट्रैप पर, और जहाँ तक मैक्सिमम आपका मोबिलिटी अलाउ करे इस तरीके से ऐसे होल्ड करें। आगे से देखें, आपका दाहिना बाजू कान के पास है, आर्मपिट खुली हुई है, और लेफ्ट हाथ नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे ऐसे होल्ड करके रखेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अब रिलीज कर देंगे। एक साइड करने के बाद खुद ब खुद आप इसका असर महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आपने ऐसे योगा स्ट्रैप को पकड़ा और इसको सर के पीछे लेके गए ऐसे इस तरीके से। अब लेफ्ट एल्बो ऊपर है और राइट हाथ को नीचे पकड़ लिया ना, राइट हाथ से इस तरीके से योगा स्ट्रैप को नीचे पकड़ लिया ऐसे, और फिर उसके बाद ऊपर पुल करें, नीचे जाने दें, ऊपर पुल करें, नीचे जाने दें, अप डाउन, 5, 4, 3, 2 and 1, और होल्ड करके रखें। ऊपर खींचें और हाथ को ऐसे 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 वॉक करवाते रहें, ऊपर खींचें और वॉक करवाते रहें, और जहां तक मैक्सिमम आपका हाथ पहुंचने लगे वहां तक होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4 and 5, रिलीज़ कर दें। इतना अभ्यास अगर आप कर लिए तो आप देखेंगे कि कंधे जो हैं उसकी स्टिफनेस जो है वो रिड्यूस हुई है, छाती जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गई है, और आप बहुत अच्छी तरीके से ब्रीद कर रहे हैं। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद अब हम कंधों को और रिलैक्स करेंगे। उंगलियों को फंसाएं, दोनों हाथों को बाहर की तरफ ऐसे खींचें 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 ऐसे होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को रोल बैक करें और हाथ को ऐसे खींचें 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 खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, अब दोनों हाथ की उंगलियों को फिर से फंसाएं, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड द सीलिंग, छत की तरफ खींचें खींचें खींचें, पूरे हाथ को उठाएं। 1, 2, 3, 4 and 5, बहुत अच्छे। आगे की तरफ भी अपने दाहिने हाथ को एल्बो से मोड़ें, उसके अंदर बाएं हाथ को फंसाएं इस तरीके से, और पुल करें ऑपोजिट शोल्डर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरी तरफ भी ऐसे हाथ रखें, उसके अंदर दूसरे हाथ को फंसाएं ऑपोजिट शोल्डर की तरफ, पुल करें। 1, 2, 3, 4 and 5, इतना करने मात्र से ही एक नई जान आ जाएगी आपके कंधों पर। अब जरा फाइनल स्ट्रेच करते हैं अपने दीवार से लग के, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे जाइए, और सर को ऐसे दोनों बाजुओं के बीच में लेके जाइए, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश कीजिए इस तरीके से ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे। पूरा खिंचाव जो है कंधों पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा दीवार पर, और फिर धीरे से ऐसे पीछे जाते जाएं और अपने सर को दोनों बाजुओं के बीच में से ऐसे लेके जाएं, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें, नेवल रीजन को देखने की कोशिश करें, हाथ को वहीं पर छोड़ दें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10। बस इतना अभ्यास करना है मात्र, और आपके कंधों की जितनी भी दर्द और समस्याएं हैं वो छूमंतर होंगी। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये सारी सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिसेस आपको सिखाई, जिनसे आपको कभी भी कंधे में दर्द नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, और साथ ही इन अभ्यासों को करते रहने से अगर आप अपनी योग के अभ्यास में और प्रगति करना चाहते हैं और एडवांस पोस्चर्स करना चाहते हैं तो भी आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है कि आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। नीचे जो थम्स अप का निशान है, लाइक का बटन है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिनको आपको लगता है कि कंधे में दर्द अमूमन रहता है, या कि उनको इस वीडियो से लाभ मिलेगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। अभ्यास अपना जारी रखें, निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।